हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज मनीष। आज मैं लेकर आया हूँ राजस्थान बोर्ड कक्षा 12वीं विषय अर्थशास्त्र प्रथम परक मूल्यांकन परीक्षा बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर। स्टूडेंट, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल को। वीडियो को प्रारंभ करते हैं। सही विकल्प का चयन कर कोष्टक में लिखें। पहला, आदिमानव का जीवन किस पर आधारित था? ऑप्शन ए कृषि, आखेट, व्यवसाय, बीमा। तो इसका सही उत्तर होगा बी ऑप्शन, आखेट। अर्थशास्त्र में वार्ता शब्द का अभिप्राय होता है आर्थिक क्रियाएं। निम्न में से कौन सा एक आधुनिक भारतीय अर्थशास्त्री है? स्वामी दयानंद सरस्वती, रमेश चंद, महादेव गोविंद रनाडे, जेके मेहता। तो इसका आंसर होगा पहला, स्वामी दयानंद सरस्वती। निम्न में से किसने वार्ता शब्द का प्रयोग किया? कौटिल्य, महात्मा गांधी, जे के मेहता, दयानंद सरस्वती। तो इसका आंसर होगा कौटिल्य। अर्थशास्त्र की धन आधारित परिभाषा किसने दी? एडम स्मिथ ने। एन एंक्वायरी इंटू द नेचर एंड कॉसेज ऑफ वेल्थ ऑफ द नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? इसका भी लेखक कौन है? एडम स्मिथ। एन एंक्वायरी इंटू द नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ द नेशन पुस्तक किस वर्ष में प्रकाशित हुई? तो ये हुआ 1776 पर, 1776 पर। अर्थशास्त्र की कल्याण पर आधारित परिभाषा किसने दी? अल्फ्रेड मार्शल ने। नवा प्रश्न है, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक पुस्तक के लेखक कौन है? अल्फ्रेड मार्शल। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स पुस्तक का प्रकाशन कब हुआ? 1890 में। इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं दिया, लेकिन मेरे ख्याल से इसका करेक्ट आंसर होगा 1880। व्यष्टि और समष्टि का प्रयोग सर्वप्रथम किस अर्थशास्त्री ने किया? रेंगलर फ्रीस। अर्थशास्त्र के विकास पर आधारित परिभाषा किसने दी? तो इसका आंसर हो जाएगा सैमुएलसन। निम्न में से श्रम की कीमत कौन सी है? तो श्रम की कीमत होती है मजदूरी। इकोनॉमिक्स पुस्तक के लेखक है सैमुएलसन। इकोनॉमिक्स पुस्तक का प्रकाशन कब हुआ? तो ये भी ऑप्शन क्या है? रॉन्ग है। तो ये भी ऑप्शन है 1948। अगर फादर ऑफ जनक की बात करें तो एडम स्मिथ आएगा, जिन्होंने 1776 पर अपनी पुस्तक प्रकाशित किया। 16वां प्रश्न देखते, रेंगलर फ्रेज ने व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र का प्रयोग कब हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा 1933। कीमत सिद्धांत आधारित होता है मांग और पूर्ति द्वारा। अर्थशास्त्र की दुर्लभता पर आधारित परिभाषा किस अर्थशास्त्री ने दी? रॉबिन्स। एडवांस इकोनॉमिक्स पुस्तक के लेखक कौन है? ये अनडाउट है, तो अगर आप लोगों को याद है तो इसका करेक्ट ऑप्शन चूज कर लेंगे। जनसंख्या सिद्धांत किसने दिया? मॉल्थस ने। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।